की जा रही है उतनी आज से 20 साल 30 साल पहले नहीं हुआ करती थी। पढ़ने वाले लोगों की संख्या हालांकि बढ़ी है लेकिन सरकारी सर्विसेज का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए आप अगर मेहनत करते हैं निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विशेष रूप से जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए हर सरकारी सेवा में 30% आरक्षण सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे चांस है। मैं गार्जियंस को भी विशेष रूप से आह्वान करना चाहूँगा, गार्जियंस अभिभावकों से, कि वो बच्चों को किसी और काम के लिए पढ़ाई से मत विमुख करें। बहुत बार ऐसा होता है जैसे स्कूल से जाने के बाद यहाँ 5 या 7 घंटे स्कूल में रहते हैं लेकिन बाद में 17, 18, 20 घंटे वो घर पे बिताते हैं, तो बजाय पढ़ाई के उन्हें और दूसरे बहुत से दूसरे कामों में, घर के कामों में लगा दिया जाता है। लेकिन जो उनके बड़े भाई बहन हैं पढ़ने लिखने वाले या गार्जियन अभिभावक, वो उन बच्चों को सबसे प्राथमिक उनकी जो काम है वो पढ़ाई के लिए रखें, अन्य किसी भी काम में। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो चाहे जो कुछ भी काम करें लेकिन पढ़ाई की जो उम्र है 20-22 साल, उस तक आप निश्चित रूप से इनको पढ़ाई की तरफ ही मोड़ें। दूसरा, बहुत से जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि आप जिस चीज़ को टारगेट लेके चलते हैं, जो आपका साध्य हो, मतलब जो लक्ष्य है वो तो पवित्र होना ही चाहिए लेकिन साधन, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो आपका तरीका है वो भी पवित्र हो, तो आप बगैर और किसी शॉर्टकट के मेहनत के बल पर ही अपना मुकाम हासिल करें, अपने घर परिवार का, माँ बाप का, अपने शिक्षकों का और इस क्षेत्र का नाम निश्चित रूप से रोशन करें। अभी 10वीं और 12वीं क्लासेस के बोर्ड एग्जाम्स है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विद्यालय प्रशासन को भी आप इसी तरह से इसको सुचारू आसपास के सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से चलाए रखें। धन्यवाद।